हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे साथ भी शेयर करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है बैंकिंग सेल्स में और एडटेक सेल्स में। जिनको एडटेक सेल्स के बारे में नहीं पता, मैं उनको बोलूंगा कि मेरे दूसरे वीडियोज हैं, उसे भी आप जाके जरूर देखें। पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ एडटेक सेल्स क्या होता है। यहाँ पे आपको जो आपने कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे बायजूस, टॉपर, एक्स्ट्रा मार्क्स, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो बच्चों को एक टैबलेट दिया जाता है और बच्चे टैबलेट से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि जैसे अभी सब जगह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्कूल्स में भी जैसे इस क्राइसिस के कारण स्कूल में भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं, तो उसी तरह ये भी ऐसा ही सिस्टम फॉलो करता है, जहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं टैबलेट के थ्रू। ठीक है, वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, बट बच्चे टैबलेट को देख के उनके लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, फिर वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। तो ये डिजिटल लर्निंग आप कह सकते हो। अब आते हैं बैंकिंग सेल्स में। बैंकिंग सेल्स तो आप सबको पता ही है, जो बैंकिंग सेल्स के मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है कासा आपका, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स और करेंट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस सेल्स करना होता है, म्यूचुअल फंड्स आपको सेल्स करना होता है, आपको अकाउंट जैसे आप खुलवाते हो। यहाँ पे आपको सेल्स के अलावा, अगर आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में, तो जितने भी मेजर बैंक्स है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन्होंने अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम लाया है। जैसे अगर सरकारी की बात की जाए तो आपने सुना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का वो आया है, फिर जैसे अभी IDBI का आप देख सकते हैं, फिर प्राइवेट में आप देख सकते हैं अपना ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, सब जगह वो जो बैंकर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो अभी एक अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम लाए हैं। लेकिन आपने पहले, अगर आप देखेंगे कि कुछ साल पहले तक जो भी MBA कर रहे थे, MBA ग्रेजुएट्स को ही हायर करते थे ये बैंक अपने वहाँ पे मैनेजर्स रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि क्या कौन सा फील्ड में जाना हमारे लिए बेटर होगा। देखिए दोस्तों, सेल्स का प्रेशर तो दोनों ही जगहों पे आपको इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, सेल्स तो आपको करना ही होगा। अगर आप इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अभी भी बैंकिंग सेल्स का मतलब, अगर बैंकिंग में आप सेक्टर में आप काम करते हो तो आपका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप एडटेक सेल्स में हो। लेकिन अगर पैसे की बात की जाए, अगर आपके इनकम की बात की जाए, अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, ऑब्वियसली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एडटेक सेल्स ही आगे बढ़ जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे बायजूस है आपका, टॉपर है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट के कारण वो जल्दी जल्दी आपको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत है, वो इंटीरियर लोकेशंस पे भी पहुँच रहे हैं। देखिए, बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादातर बड़े शहरों में या Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ तक भी आपको दिख जाते हैं, लेकिन गाँव में आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है, अगर आप बायजूस, टॉपर या एक्स्ट्रा मार्क्स की बात की जाए, तो ये सब गांव में भी जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, पढ़ाई की अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये वहाँ पे टारगेट करते हैं। तो मतलब इतना मान लो कि आपको घूमने को भी काफ़ी मिलेगा, आप नए नए जगहों पे एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो ये घूमने का अपॉर्चुनिटी तो आपको एडटेक सेल्स में ही मिलेगा इन कंपेरिजन टू बैंकिंग सेल्स। अब बात की जाए कि पेमेंट कब आता है, सैलरी कब आएगी। यहाँ पे दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, सैलरी के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चाहे बैंकिंग सेल्स हो या एडटेक सेल्स हो, आपको मंथ एंड पे सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना। अब टारगेट का प्रेशर अगर आपको देखा जाए, और दूसरी बात है ऑपरेशंस का जॉब भी आपको देखा जाए, तो मैं आपको बोलूँगा बैंकिंग जो सेक्टर है वहाँ पे आपको, अगर आप ये 3 प्राइवेट बैंक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम करते हैं तो फिर आपको यहाँ ये फायदा होता है कि आपको यहाँ ऑपरेशंस कम सेल्स मिलता है, और सेल्स के लिए जो लीड्स है आपको बैंक से ही मिल जाते हैं, जो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं आपको उन्हीं को सेल्स करना। मान लीजिए कोई कासा के प्रोडक्ट है, मतलब किन्हीं का सेविंग्स अकाउंट है, आप उनको लोन बेच रहे हो या म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हो, आपको रोड में जाके दर दर नहीं भटकना पड़ता, ये एक फायदा होता है आपको। लेकिन अगर आप एडटेक सेल्स की बात करो तो वहाँ पे भी आपको दर बदर नहीं भटकना होता, वहाँ पे आपको लीड्स दी जाती है और आपको उनको कॉल करके कन्विंस करना होता है, और फिर उसके बाद आपको उनसे मीटिंग करनी होती है, फिर आपको उनसे सेल्स करना पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा सेल्स सबसे ज़्यादा मतलब टफ होता है,
तो मेरे हिसाब से तो एडटेक सेल्स ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेल्स की बात की जाए तो बहुत सारे जगहों पे कस्टमर्स खुद इंटरेस्टेड रहते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सेम गोज फॉर एडटेक सेल्स, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप देखो कि आपको जो बैंक में आ रहे हैं तो आप उनको भी कन्विंस करके वहीं पे आप बेच देते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत घर पे विजिट करना होता है, ठीक है। और टारगेट की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर आप बैंक में देखो तो बैंक में टारगेट कम होता है इन कंपैरिजन टू एडटेक सेल्स में। एडटेक सेल्स में आपको वीकली परफॉर्मेंस काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको देखा जाए कि फॉरेन ट्रिप जैसे आपको एक्स्ट्रा एडटेक सेल्स में कुछ कुछ कंपनीज ऑफर करती है, लेकिन ये चीज़ आपको बैंकिंग सेल्स में फॉरेन ट्रिप का चांस कम रहता है या नहीं रहता आप कह सकते हो। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। और दूसरी बात जो मुझे लगती है बैंकिंग सेल्स की सबसे जो कमी है, या फिर जो आपको मेरे ख्याल से आप बोलोगे ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपको एक कोर्स करना होगा जिसके लिए आपको अराउंड 4 लाख रुपीज पे करने होंगे। पे क्यों करोगे भाई आप? पहले 4 लाख रुपीज पे करो उस पर से फिर सेल्स के जॉब के लिए। हाँ मानता हूँ वो बैंकिंग सेल्स है, तो क्या आप पे कर दोगे? लेकिन एडटेक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कोई भी अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमबीए या एमटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो और फिर अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो। अब मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस नहीं और आप बैंकिंग सेक्टर में चले गए और आप कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हो, आप सेल्स कर ही नहीं पा रहे हो, तो ये तो आपके लिए पूरी तरह लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो तो आप जरूर एक बार एडटेक सेल्स से स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पे आप एक बार काम करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर सेल्स की बात की जाए तो हर किसी से ये हो नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स बहुत टफ है या ऐसा कुछ है, कुछ कुछ लोग कन्विंस नहीं कर पाते या फिर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट तो दिखाना होगा कि आपने कितना सेल्स किया है, क्योंकि कंपनी जब आपको पे कर रही है तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी कर रही है कि आप उनको रिटर्न में कुछ दोगे। तो ये सारे कुछ बात हैं। और आप जैसा जानते हो सेल्स का जो सबसे वाइटल पार्ट कुछ होते हैं, वहाँ पे कॉलिंग जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि आपको कॉल तो करने ही होंगे, चाहे आप बैंकिंग सेल्स में हो या चाहे आप एडटेक सेल्स में हो। यहाँ पे आपको कस्टमर्स को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा। बैंकिंग सेल्स में यह है कि आपको ये सीखने को मिलेगा कि अकाउंट में ट्रांजैक्शन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, खुद प्रोसेस पूरा करके फिर आपके बैंक के कंप्लायंसेस के साथ फॉलो करना, फिर अगर ऑडिटर आते हैं तो आप उनको असिस्ट करना, ये सारे काम जो है ये सारे आपके पार्ट में आते हैं। या कस्टमर्स का कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा कम आ गया, वो कोई क्वेरी लेके आए, या चेक क्लियर करना, ये सारे ऑपरेशंस के काम भी आपको मिल जाते हैं करने के लिए। अब ग्रोथ की बात की जाए तो अगर आप जैसे आप अगर सेल्स में घुसते हो एडटेक सेल्स में, तो आप पहले बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या रिलेशनशिप मैनेजर के लेवल पे घुसोगे, फिर आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर या फिर सीनियर बीडीए बनोगे, उसके बाद फिर आपको मैनेजर तक के लेवल पे आप जाओगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में घुसते हो तो पहला जो आपका लेवल होगा वही होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर के ग्रेड पे, तो जो काफ़ी अच्छा, मतलब आपको शुरू में ही मैनेजरियल ग्रेड मिलेगा। उसके बाद आपका बैंड इंक्रीज करता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको समझनी होगी और आपको देखना होगा कि कौन सा आप कर सकते हो। ये आप पे चूज आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको अब इंसेंटिव्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए इंसेंटिव्स आपको दोनों ही जगह सेल्स जितना आप करेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मैंने जितना देखा है मेरे हिसाब से एडटेक सेल्स में ज़्यादा इंसेंटिव्स आप कमा सकते हो इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सेल्स। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे किस्म के लिए आप कंफर्टेबल होते हो। देख लीजिए आपको प्रेशर अलग होगा, आपका सेगमेंट अलग होगा, वहाँ पे आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे आपके लिए एडुकेशन एक प्रोडक्ट होगा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए आप किसके साथ कोप विथ कर पाएंगे ये आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप किसी भी सेल्स में जाना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसी फील्ड में जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों से बातें करो। ये आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप HDFC चाहे एक्सिस या फिर ICICI बैंक के में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर जो उन्होंने मणिपाल एकेडमी से प्रोग्राम करके ज्वाइन किया है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? फेसबुक है ना भाई, फेसबुक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो और उन्हें आप
कांटेक्ट करके उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हो, या आप नियरेस्ट बैंक पे भी विजिट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, फिर आपको डिसाइड करने में इजी होगा। सेम गोज फॉर अगर आपने एडटेक सेल्स करना है, तो फिर वहाँ पे आप देखो कि आपके शहर में आपका ऑफिस कहाँ पर है, एक बार आप वहाँ से बात करो अपने दोस्तों से अगर आपके कोई दोस्त कर रहे होंगे, या फिर फेसबुक का फिर से हेल्प ले सकते हो और उन्हें बात कर सकते हो, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। चलिए बाय दोस्तों।